आज मैं आपको बता रहा हूँ चाओ चाओ 2 मंथ पपी डाइट। ये मेरा अप्रोक्सीमेट 2.5 मंथ का है। मैं इसको इसमें खाना देता हूँ, इसको वॉश कर लेते हैं। ये हारमर की आइसक्रीम के साथ आया था, मैंने इसको वैसे ही रख लिया। इसको वॉश कर लेते हैं, ये वॉश हो चुका है। इसकी अभी मैंने थोड़ी डाइट कम कर रखी है, पहले इसको थोड़ा ज़्यादा देने लग गया था, इसकी वजह से इसके पैर बैंड होने लग गए थे, इसकी डाइट कम कर दी है। ये मैं इसको रॉयल कैनिन पप्पी मैक्सी देता हूँ, 20 20 फीड्स देता हूँ इसको, मतलब 4 टाइम इन अ डे। आपको इसकी आगे पूरी वीडियो मिलेगी इसी में। ये ओपन कर लेते हैं, 1 2 3, इसको मैं काउंट करके डाल देता हूँ। ये मैं अप्रोक्सीमेट 20 से 23 के बीच में डाल देता हूँ। ये मैंने 22 डाल दी है, ये हो चुकी है पूरी। इसको करते हैं अब बंद। आप भी अपने डॉग को अच्छे रिजल्ट के लिए ये दे सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका। इसमें गर्म पानी है, इसको इसमें डाल देंगे, इसको पूरा भर देंगे ताकि ये अच्छे से सोख हो जाए, और बाकी बचा हुआ पानी इसको डाल देंगे यहाँ पर चिड़िया वगैरह का, वो पी लेती हैं। अब इसको रख देंगे, इसको पता चल गया कि इसका खाना यहाँ पे रखा है, ज़ोर ज़ोर से लगा हुआ है, एक ही सांस मान ही नहीं रहा। चार्ली नो। अब ये अच्छे से सोख हो चुकी है, इसका रेस्ट ऑफ वाटर निकाल देंगे। वैसे तो मैं कई बार इसको पानी के साथ ही दे देता हूँ, लेकिन आज इसकी विदाउट वाटर है। ये साफ़ कर लेते हैं। अब इसका फूड बाउल ले कर आएंगे। ये मैंने 1/4 चपाती ली है। अब इसको चपाती को छोटी छोटी करके डाल लूँगा मैं, 1/4 चपाती लेता हूँ बिना चोपड़ी हुई। मैं वैसे तो इसको पालक की रोटी भी दे देता हूँ, लेकिन आज सिंपल बनाई थी। ये चार्ली बैठा अपने खाने के इंतज़ार में। ये छोटी छोटी कर लेंगे ताकि इसको खाने में इजी होए। छोटी छोटी कर ली है। रेस्ट ऑफ पेडिग्री मिला देंगे अब इसमें। अब मैं एक बार इसका स्टार कोट ले आता हूँ इसके शाइन फर शाइन के लिए। ये इसका स्टार कोट है, इसके फर अच्छा हो जाए, शाइनी हो जाए। आप भी अपने डॉग को दे सकते हैं। मैं इसको देता हूँ 10 ml, लेकिन इस पे 2.5 ml लिखा हुआ है। मैं वेटनरी के एडवाइस पे देता हूँ, आप अपने डॉग के लिए अपने वेटनरी से पूछ लेना, या फिर जो इस पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए उसी के हिसाब से दे लेना। ये 10 ml हो गया है। अभी इसको फूड में मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये फूड में डाल दिया है। अब इसको थोड़ा वैसे ही रफली मिक्स कर देंगे ताकि ये एक ही जगह से खाना ना खाए। अब इसका स्टैंड मैंने एक घर पे ही बना रखा है, जिस पे पॉट रखते हैं ना मटका, उसके ऊपर ही इसको रख के दे देता हूँ। अब इसको थोड़ी स्टे की ट्रेनिंग अभी सीख चुका है, रख दिया। ये स्टे बैठा रहेगा तब तक गो नहीं बोलेंगे, गो। आगे तो गाइज मैं अभी इसको सेकंड मिल दे रहा हूँ। फर्स्ट मिल अप्रोक्सीमेट 9:15 दी थी। इसको एवरी 6 आवर्स में देते हैं, तो 6 आवर्स हो चुके हैं। दोबारा से पेडिग्री रॉयल कैनिन 20 से 25 फीट लूँगा। ये काउंट कर रहा हूँ अभी, भूल गया। हाँ, ये डाल। चार्ली नीचे इंतज़ार कर रहा है खाने का। स्टार कोड जो होता है वो मैं इसको एक ही टाइम देता हूँ, डे वन टाइम। अब इसमें हॉट वाटर ये पूरा ऊपर तक फिल कर लेंगे। ये फिल करने के बाद इधर रख दिया। ये बाकी वाटर मैं उसमें पॉट में डाल देता हूँ बर्ड्स के लिए। ये चार्ली, ये अभी मैंने हाफ बाउल कर लिया और हाफ टीस्पून हनी इसमें मिक्स कर लिया है। और अब ये हाफ मैंने जो पेडिग्री सोक की थी वो अब की बार पानी के साथ ही डाल रहा हूँ, क्योंकि अब आफ्टरनून लंच में इसको चपाती नहीं दे रहे हैं, कर्ड दे रहे हैं। तो ये पानी मैंने इसलिए भी रखा है ताकि ये कर्ड थोड़ी
पतली हो जाए और इस वजह से इसको थोड़ा पेट भी ज़्यादा भर जाएगा। चार्ली को भी पता नहीं है उसकी मील तैयार हो रही है, इसलिए आराम से घूम रहा, अभी पता चल जाएगा तो भोगता रहेगा। जल्दी जल्दी बना दे। अब ये सारी कर्ड इसमें डाल के इसको मिक्स कर देते हैं। ये मिक्स करने के बाद देखो थोड़ा टेक्सचर भी चेंज हो गया, नहीं आपको शायद ऊपर दिख भी रहा होगा। ये इस वजह से इसका थोड़ा मीठा मीठा भी लगेगा, टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। अब इसको थोड़ी सी ट्रेनिंग, एज यू नो स्टे ट्रेनिंग, सीट ट्रेनिंग, इसका फूड स्टैंड पे रखेंगे। चार्ली नो स्टे सिट, चार्ली नो सिट स्टे नो, चार्ली नो। अब ये बात नहीं मान रहा है, इसको खाना दिख रहा है, अब इसको बैठाना पड़ेगा। चार्ली सिट, गुड बॉय, स्टे स्टे गो। गाइस जी इसकी लास्ट मील का टाइम है, सोयाबीन उबाल रहा हूँ और पहले इसको हाफ एंड आवर नॉर्मल वाटर में सोक कर दिया था। ये फीड देते हुए खाना भूल गया, इसमें 10 पेडिग्री फीड ऐड कर